बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स ट्यूब में मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप उर्दू राइटिंग कैसे कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को अगर आपने लैपटॉप में अपने उर्दू राइटिंग में करना हो, उर्दू फॉन्ट में लिखना हो, उर्दू की खुशखती में करना हो, इमला में करना हो, तो उसको कैसे करेंगे। टेक्स्ट अगर छोटा होता है तो बंदा तो उसको सिंपली कर लेता है, लेकिन जब बड़ा टेक्स्ट हो तो उसको सिंपली और आसान और जल्दी कैसे किया जाए। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक है टेक्स्ट है, यहाँ में बस रखा हुआ है, इसको मैं कर लेता हूँ, रोमन में है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी से, क्योंकि रोमन राइटिंग तो हमारी तेज़ होती है, उसमें तो हमें मसला नहीं होता ना। तो मैंने इसको कर लिया कॉपी से, अगर आप चाहें आप ख़ुद भी इसको लिख सकते हैं। अब मैंने इसको पेस्ट कर लेना, एक वेबसाइट होगी आई जुनून के नाम से, आप यहाँ पे लिखेंगे रोमन उर्दू टू उर्दू कन्वर्टर, यहाँ आपके पास सबसे टॉप पे एक वेबसाइट खुलेगी iJunoon.com। आपने कर लेना है इसको ओपन, और यहाँ पे आपने अपनी रोमन इंग्लिश जो है उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके आप यहाँ पे ट्रांसलेशन टू उर्दू करेंगे तो ये आपके लिए उर्दू में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि गैर दिमागी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सही यहाँ पे भी लेकिन गलत लिखा हुआ है, लेकर गए ही नहीं थे, यहाँ ये गलत लिखा हुआ है। अब इसमें जो है ना, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स आ जाते हैं, आपने क्या करना है, आपने इसको कर लेना है पूरे को कॉपी यहाँ से कर लेना है, और कॉपी के बाद आपने लिखना है गूगल में उर्दू कीबोर्ड लिखेंगे, आपके पास मुख्तलिफ वेबसाइट्स आ जाएंगी, गेट टू होम आ जाएगा, इसमें जो सबसे ऊपर है brana.com, आपने कर लेना है इसको ओपन कर लेना है, और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे अगर आप पूरा लिखने लगेंगे तो आपको बड़ी मुश्किल होगी, आपको बड़ा स्लो लगेगा, टाइम लगेगा आपको, इसलिए जो आपने पहले से लिखा हुआ है अब बस सिर्फ आपको इसमें एडिट करना है। जैसे यहाँ पे दिमागी है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मीम अलिफ गैन छोटी है, ये हो गया, पे हो गया, लियाकत है तो इसको मैंने लेकिन कर दिया, सही, यहां पे भी मैंने इसको सही कर दिया, लेकर ही यहां तो छोटी ये कर दिया है, नहीं है तो इसको मैंने कह दिया नहीं, और यहाँ शिफ्ट किया तो बाकी बटन भी आ गए, नहीं चलिए लेकर ही नहीं गए थे, और ये दोस्तों देख लें आप थोड़ी सी मेहनत से एक मिनट के अंदर अंदर ये सारा मैंने मेरे पास उर्दू में आ गया। आप ये बिल्कुल सही है, अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से रिमूव करके जो इसके बाद डॉट है वो लगा लें, जो उर्दू वाला डॉट होता है वो आ जाएगा बड़ा वाला, और आपके लिए उर्दू राइटिंग हो गई है बहुत आसानी से। आप जितने भी बड़ा टेक्स्ट आपके पास हो आप उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। पहले आपने इस वेबसाइट पर करना है, यहाँ से आप रोमन में पेस्ट करेंगे उर्दू में आ जाएगा, फिर जो गलतियाँ होंगी उसको आप इसमें लिख देंगे, और ये आपके पास बहुत जल्दी जो होगा ये सारा कुछ हो जाएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो के कमेंट में बताएं कि अगर आपको कोई मसला दरपेश आ रहा है ताकि आपको मज़ीद गाइड किया जाए। शुक्रिया।